अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो सोलर मैक्स सोलर इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी है उसके मुख्तलिफ जो हैं सोलर इन्वर्टर उनके बारे में है, जो कि अभी रिसेंटली लाहौर में एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन लगी थी, उसमें मैंने ये सारे शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी सोलर मैक्स के बारे में। कुछ हाइलाइट्स के बारे में भी वीडियोस मेरी मौजूद हैं इस एग्जीबिशन की हाइलाइट के बारे में, आप लोग वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कुछ हाइलाइट की वीडियोस हैं जिसमें एक ओवरव्यू दिया गया है कि इस एग्जीबिशन में क्या क्या किस किस कंपनी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, और जनाब ये वीडियो इन्वर्टर्स के बारे में है कि मेन मेन जो पॉइंट होते हैं उसके सोलर इन्वर्टर्स के उनके बारे में है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकें कि कौन सा इन्वर्टर जो है वो हमारे लिए बेहतर है। और इस एग्जीबिशन के विज़िट के दौरान जो है वो मुझे जो कमेंट्स मिले हैं मुख्तलिफ लोगों से सोलर मैक्स के बारे में, वो भी आपसे शेयर करूँगा। अब जैसे ये पहला एक इन्वर्टर है इनका, सोलर मैक्स 4 kW ओरियन मॉडल है। तो इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं, ओरियन सीरीज़ का ये एक है 4 kW का। तो इस 4 kW के जो इन्वर्टर के साथ आप मैक्सिमम 500 W के लगा सकते हैं सोलर पैनल, 500 W के लगा सकते हैं। और सोलर पैनल की जो मैक्सिमम इनपुट है वोल्टेज की, वो 500 वोल्टेज हैं। और इसके अलावा जो अच्छी चीज़ है, ये बैटरी के बगैर भी काम कर सकता है, यानी कि वर्क विद एंड विदाउट बैटरीज। और 24 V, यानी कि मिनिमम 2 बैटरियां आपको लगानी पड़ेंगी। बिल्ट इन वाईफाई है इसके, बिल्ट इन BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, और इस तरह की जो है वो काफ़ी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन और वेब बेस्ड मॉनिटरिंग भी इसकी मौजूद है। MPPT इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर है, और लाइफ टाइम फ्री सर्विस वारंटी है, और 2 ईयर की अनलिमिटेड पार्ट्स रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो ये 4 kW का इन्वर्टर था जो कि सोलर मैक्स का था। इसके 4 kW के बाद जो इन्वर्टर है वो आ रहा है जनाब ओरियन का 6 kW का इन्वर्टर। ये उसकी शेप है, ओरियन 6 kW। तो 6 kW ओरियन के बारे में ये उसका इन्वर्टर है। ये इसकी डाटा शीट है जो मैंने उनकी वेबसाइट से ली है। ये सेम वही है, लाइफ टाइम फ्री सर्विस वारंटी है, और 2 ईयर की पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की वारंटी है। इसमें इस 6 kW वाले इन्वर्टर में आप मैक्सिमम 7 kW तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और जनाब 500 V DC मैक्सिमम इनपुट हैं इसके। देन जो है कलर LCD है और टच बटन्स हैं। इसके अलावा BMS भी इंक्लूड है इसमें, और ये 48 V पे काम करता है, यानी कि मिनिमम 4 बैटरियां होंगी। तो आप ये वर्क बैटरीज अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिनिमम 4 बैटरियां जो हैं वो आप साथ में लगाएंगे। और इसके अलावा इसकी और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल विद बिल्ट इन वाईफाई, वाईफाई और ऐप के ज़रिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी सेटिंग एंड सो ऑन। इस तरह के सारे मामला आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 6 kW का इन्वर्टर है इनका। और इसके अलावा नेक्स्ट जो इन्वर्टर है सोलर मैक्स का, वो है ओरियन 8 kW और 11 kW। ओरियन 8 kW और 11 kW। इसकी जो डाटा शीट है वो मैं आपको अगर दिखाऊं, ओरियन ये है जनाब ओरियन 8 kW और ये 11 kW। 8 kW का जो ओरियन मॉडल है सोलर मैक्स का, उसमें आप जो है ये भी विद एंड विदाउट बैटरी जो है वर्क करता है। और इसके अलावा इसके अंदर ड्यूल AC इनपुट है जो कि ऑटोमेटिकली स्विच करता है। फॉर एग्जांपल आप के बैकअप में आप लोगों ने जनरेटर भी रखा हुआ है एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें, वापडा भी चल रही है, तो ड्यूल AC इनपुट जो है वो आप ले सकते हैं, दे सकते हैं इसे। और ड्यूल ही आउटपुट है इसमें, ये ड्यूल AC आउटपुट है, मेन लोड भी है और स्मार्ट लोड भी है। और इसकी इसके साथ मैक्सिमम कितने हम पैनल लगा सकते हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे यहाँ से जनाब, 1000 W तक के आप पैनल लगा सकते हैं इसके साथ।
ठीक है जी, ये 8 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर और मैक्सिमम 10,000 वाट, सॉरी 10,000 वाट तक के आप इसके साथ पैनल लगा सकते हैं। ये है, ठीक होगा जी। उसके बाद जो ये 11 किलो वाट वाला है, इसका यही ओरियोन सीरीज़ का 11 किलो वाट का जो इन्वर्टर है, इसके साथ आप 12,000 वाट तक के आप पैनल लगा सकते हैं। और ये भी ड्यूल एसी इनपुट है, ड्यूल आउटपुट है, और इसके अलावा प्योर साइन वेव, बिल्ट इन वाईफाई, कलर एलसीडी एंड सो ऑन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और सेम वही है, लाइफ टाइम फ्री सर्विस वारंटी है, 2 ईयर की अनलिमिटेड पार्ट्स और रिप्लेसमेंट वारंटी है। ये ओरियन 11 किलो वाट वाले इन्वर्टर की कुछ स्पेसिफिकेशन थी। इसके बाद जो है वो ओरियन प्रो 6.2 किलो वाट का ये इन्वर्टर है। इसकी डाटा शीट मुझे नहीं मिली, लेकिन इसके जो साइड पे जो स्पेसिफिकेशन वाला स्टिकर लगा हुआ था, ये शायद उन्होंने न्यूली लॉन्च किया है, ओरियन प्रो 6.2 किलो वाट। उसकी स्पेसिफिकेशन ये हैं, ओरियन प्रो 6.2 किलो वाट। इसमें इसकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हैं जनाब, 6200 वाट का ये इन्वर्टर है, ठीक है जी, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, और मैक्सिमम 500 वोल्ट तक आप इसे जो इसकी PV इनपुट है, वोल्टेज की रेंज वो 120 से मैक्सिमम 500 वोल्ट तक है। और जनाब इसके अलावा इसके साथ कितने वाट के आप सोलर पैनल लगा सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और ये 48 वोल्ट की बैटरी पैक आप इसके साथ लगा सकते हैं, विद एंड विदाउट बैटरी ये वर्क कर सकता है, बगैर बैटरी इसके भी। और इसमें वो डिटेल नहीं लिखी हुई बाकी कि ये कितने तक के हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। बाकी मॉडल देखें तो इसके हिसाब के से मेरा ख्याल इसके साथ जो है 6.5 किलो वाट के 6500 वाट तक के आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं, ये इनका। और नेक्स्ट जो है सोलर मैक्स का सोलोन अल्ट्रा 6 किलो वाट। अच्छा, मैंने मुझे जो एक दो बंदों से फीडबैक मिला है वो ये वाला जो मॉडल है इनका सोलोन अल्ट्रा 6 किलो वाट IP65 वाटरप्रूफ, ये वाला मॉडल जो है काफ़ी इन था एग्जीबिशन में, ये वाला। इसकी कोई प्रॉपर मुझे डाटा शीट नहीं मिली, लेकिन और ये एक और मॉडल है अल्ट्रा 6 किलो वाट, और ये 6 जो बाकी जो इसके ये दूसरी एक सीरीज़ है, इनके बारे में मैं अगर आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो ये 6 किलोवाट वाला जो है ये और ये ओनेक्स मॉडल है अल्ट्रा का, उसकी ये डिटेल मौजूद है यहाँ पे। 48 वोल्ट बैटरी बैकअप आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम PV वोल्टेज 550 वोल्ट है। पहले वाले अगर इन्वर्टर हम देखें तो इसमें 500 वोल्ट तक मैक्सिमम आप दे सकते थे अपने सोलर पैनल से, इसमें 550 वोल्ट तक दे सकते हैं। और जो 9000 वाट तक के आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 6 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर है और आप इसके साथ मैक्सिमम 9000 वाट तक के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इसमें सोलर पैनल्स के वोल्टेज की रेंज भी ज़्यादा है जो कि 550 है, और इन्वर्टर 6 किलोवाट का है और आप पैनल मैक्सिमम 9000 वाट तक के लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन वही हैं, वाईफाई और वर्क विद बैटरी या विदाउट बैटरी भी है, 6000 वाट इसकी आउटपुट है एंड सो ऑन। इसके अलावा दूसरा जो इनका एक मॉडल है 6G सीरीज 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 और 25 किलोवाट का IP66 है। ये मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि IP66 क्या चीज़ है। ये सारी इन मॉडल्स के बारे में डिटेल है 6
6G सीरीज़ जो है 10, 15, 20 और 25 किलो वाट का ग्रिड टाइट सोलर इन्वर्टर, इसके बारे में ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन मौजूद है। 10, 15, 20 और 25 किलो वाट, ये सारी डिटेल मौजूद है। आप इसे जो है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन एक और जो है ड्यूल अल्ट्रा 6 किलोवाट सोलर MPPT इन्वर्टर, ये एक इनकी फाल्कन सीरीज़ है। फाल्कन सीरीज़ जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है फाल्कन सीरीज़, फाल्कन अल्ट्रा 6 किलोवाट। इसकी जो डिटेल है, ये फाल्कन सीरीज़ 6000 वाट तक के आप इसके साथ सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 6 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर है और 6 किलो वाट ही आप इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। जबकि जो ज़्यादा इन इन्वर्टर था वो मैंने आपको दिखाया, जो कि 6 किलो वाट का था। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, ये वाला। इसकी मैं डाटा शीट निकालने की कोशिश करता हूँ, कहाँ पर है, ये 9000 वाट तक के पैनल आप लगा सकते हैं। इन्वर्टर 6 किलो वाट का है, लेकिन पैनल जो है वो आप 9000 वाट तक के इसके साथ लगा सकते हैं। जबकि ये मैं आपको दिखा रहा था 6 किलो वाट का सोलर इन्वर्टर है और इसके साथ मैक्सिमम 6 किलो वाट के ही पैनल लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने नोट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसके साथ 6000 किलो वाट के सोलर पैनल लग रहे हैं, तो तकरीबन असर के वक्त 3 से 4 बजे के करीब डेफिनेटली सोलर की आउटपुट वो कम हो जाएगी, तो हमें जो इन्वर्टर से आउटपुट है डेफिनेटली वो भी हमारी डिस्टर्ब होगी। और अगर वो 6 किलो वाट वाला जो दूसरे वाला इन्वर्टर है, जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा था, ये वाला इन्वर्टर है, इसके साथ 9 किलो वाट के आप सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। तो 9 किलोवाट के सोलर पैनल अटैच हैं और एक तरफ जो है वो 6 किलोवाट के हैं, तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जो कि मैक्सिमम आउटपुट आपको 5-6 बजे तक मिलती रहती है। तो ये एक दो चीज़ें जो हैं जो जहन में रखने वाली हैं, आप लोग जो है इन्हें ज़रूर जहन में रखें कि इसके सोलर पैनल की मैक्सिमम वाटेज क्या है, इनपुट वाटेज, वो ज़रूर जहन में रखें आप अपने लोड के हिसाब से। एक इनका जो है वो इन्वर्टर ये है, सोलोन ड्यूल सीरीज 6 किलोवाट, इसके साथ भी 6 किलोवाट के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। ड्यूल आउटपुट है, रेटेड पावर 6000 वाट है, 48 वोल्ट की बैटरी जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सोलर पैनल आप इसके साथ 6500 वाट के लगा, 6 और 5 किलो वाट के आप इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। तो इन सब इन्वर्टर्स में जो मुझे बेहतर इन्वर्टर लगा वो दो हैं। नंबर वन जो है, मैंने आपको दिखाया कि 6 किलो वाट का वो इन्वर्टर है, ये वाला, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो पैनल्स हैं वो 9000 वाट तक के हम लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है कि हमें मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिलती रहती है मैक्सिमम टाइम तक। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था हमारा इसके बारे में, सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स के बारे में। आप लोगों में से कौन लोग जो हैं वो सोलर मैक्स के इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, वो काइंडली अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर की दीजिएगा, ताकि जो लोग सोलर मैक्स के इन्वर्टर लेना चाहते हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करें आपके कमेंट से, आपके व्यू से, कि हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसकी वर्किंग कैसी है, खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आता है तो सर्विस सेंटर वाले जो हैं वो किस तरह का रिस्पांस देते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों का रिस्पांस बहुत मैटर करता है कि खुदा ना खासा कोई मसला आ जाए और वो बात ही ना सुने तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। तो कस्टमर केयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चंद ब्रांड्स इन्होंने अपने एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए हुए थे। और मैंने एक और साहब से पूछा जो इंस्टॉलर थे,
कि टॉप टू अगर मैं बोलूँ कंपनीज कौन सी हैं इसकी, सोलर के ब्रांड्स की, तो उन्होंने बोला पहले नंबर पे इन्वेरक्स है और दूसरे नंबर पे सोलर मैक्स है। इन्वेरक्स महंगा है इन्वर्टर डेफिनेटली बाकी ब्रांड से, मतलब जो पाकिस्तान के अपने ब्रांड हैं उनमें से वो महंगा ब्रांड है इन्वेरक्स एज़ कम्पेयर टू अदर। अब क्वालिटी वाइज मैं जैसे खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्वेरक्स काफ़ी अरसे से, तो आई लाइक इन्वेरक्स। ये इनका फर्दर जो है ऑनेक्स 8 किलोवाट, उसकी डिटेल है सारी। ये इनका बैटरी पैक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक है। तो आप फर्दर डिटेल के लिए जो है इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे सोलर इन्वर्टर की डिटेल भी मौजूद है और बैटरीज के बारे में भी डिटेल मौजूद है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स के बारे में आइडिया हो सके और उनकी बैटरीज के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो कंपेयर करने में उन्हें आसानी हो दूसरे ब्रांड्स के साथ। मैं आने वाले दिनों में चंद और जो ब्रांड्स हैं जो मैंने एग्जीबिशन में जिनकी वीडियोस बनाई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वो भी अच्छी लगेंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। 5 से 6 और ब्रांड है जिनकी थोड़ी सी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।